हेलो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्टॉक को ढूंढते हैं, जैसे कि 2 रुपीज़ का हो या मान लीजिए कि 5 रुपीज़ का स्टॉक हो जो मल्टी बैगर बनने का क्षमता रखता हो। दोस्तों तो आज ये ख्वाहिश उनका पूरा होने वाला, वो भी गिरते हुए मार्केट में। सपोज़ मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस है 3 रुपीज़, ठीक है, अगर उसका आपको मिल रहा है वो 5 रुपीज़ में, तो सोचिए ये आपको सस्ते में मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक पर आपका नज़र ज़्यादा रहना चाहिए, और वो भी दोस्तों गिरते हुए मार्केट में अगर आप खरीदोगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे दे। तो कौन सा ऐसा स्टॉक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने मैं रखता हूं दोस्तों, साउथ इंडिया बैंक, ठीक है। साउथ इंडिया बैंक केवल आपको 5 रुपए में मिल रहा है दोस्तों। ये 20 रुपीज का स्टॉक हुआ करता था, आज के डेट में वो 5 रुपए में मिल रहा है और ये 3 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, ठीक है। लेकिन आज 5 रुपीज में क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों यहां पर देख सकते हो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है, और वो भी आपको सोचना चाहिए ये बैंक है दोस्तों, इसको RBI डूबने नहीं देगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका है, और ठीक है अगर बैंक को कुछ होगा तो दोस्तों RBI संभालने के लिए आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यस बैंक कहां तक आ गया, तो दोस्तों 5 रुपीज तक आ चुका था यस बैंक, और उसके बाद से यस बैंक ने दोस्तों अपर सर्किट मारना स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है 75 रुपीज के आसपास चला गया था। तो सोचिए ये केवल 5 रुपीज का स्टॉक कहां चल गया। तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक आपको सस्ते दामों में मिल रहा है, तो ये भी आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये भी 75 रुपीज चला जाएगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये स्टॉक आपको अच्छा से अच्छा जो है रिटर्न दे सकता है। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का दिखाता हूँ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कैसा हो रहा है, क्या कंपनी में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अगर आपने किसी भी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आपका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपने चिप्स, कोको कोला या कुछ भी, या आपने कुछ भी छोटे या बड़े बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस बिज़नेस होता है, तो आपने मान लीजिए एक छोटा सा ही बिज़नेस खोला, ठीक है, और आपका बिज़नेस का प्रोडक्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से सेल होते जा रहा, वो भी बहुत फास्ट, तो आपको नहीं लगता कि आपका बिजनेस स्केल अप होने के लिए खोज रहा है, बड़ा होने के लिए खोज रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेने के लिए खोज रहा है? तो उसी तरह मैं आज इस बैंक का दिखाऊंगा ये प्रॉफिट में है कि नहीं, इसका जो है नेट इंटरेस्ट और ये बैंक है, देखते हैं इसका जो इंटरेस्ट आता है कहीं से भी आता है तो क्या वो सुटेबल है या सफिशियंट है कि नहीं है, क्योंकि स्टॉक का केवल प्राइस है आपको 5 रुपीज में मिल रहा है, तो और क्या चाहिए दोस्तों। देखिए इससे कम प्राइस वाले आपको कोई भी बैंक नहीं मिलने का चांस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं, ये लाइन में आपको जो है नेट प्रॉफिट दिखाया जाएगा, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो सबसे पहले हम बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं, 2018 के आसपास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई हम 2018 में देखते हैं, दिसंबर है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मार्च है 2019। तो हम देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कितना था, तो 83.85 था, मतलब मान लेते हैं कि 83 था, चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट घट के कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है, 70 हो गया मार्च में 2019 में। उसके बाद फिर देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जनवरी में कितना हुआ दोस्तों, 73 हुआ, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल। लेकिन उसके बाद फिर दोस्तों बैंक ने बाउंस बैक मारा और अपना रियल प्रॉफिट पे आ चुका था, ठीक है, रियल प्रॉफिट पे आ चुका था, ये तो कुछ नहीं है। अब देख लीजिए फाइनल, तो दोस्तों फाइनल अब जो है बैंक ने बहुत हाईएस्ट प्रॉफिट मारा, और यहां पर देख सकते हैं 2019 दिसंबर, मतलब कि दोस्तों 2019 में ये बहुत हाईएस्ट मारा था। कितना हाईएस्ट मारा था मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाया है दिसंबर 2018 में कितना था, 80 था, ठीक है, 83 था। फिर दोस्तों घट घट के कितना हो गया, फिर 70 हुआ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, 80 से फिर 70 हुआ, 73 हुआ, 84 हुआ, लेकिन फाइनली एक साल के अंदर 2019 में इसने फिर अपना प्रॉफिट को दोस्तों वापस मतलब बाउंस बैक मारा दोस्तों, और देख सकते हैं पहले जो 80 था अब 90 के रूप में आ चुका है। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हाँ कभी कभी बैंक की हालत खराब हो जाती है, तो थोड़ी बहुत देख सकते हैं बीच में 73 मतलब कि यहाँ पर 70 मतलब प्रॉफिट कम भी हो जाता है, लेकिन फाइनली हम देखते हैं, देखिए वॉरेन बफेट ने एक चीज साफ साफ बोला है कि हम जब भी GDP देखते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो हमारा GDP, ठीक है, या इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों, ठीक है, वो दोनों क्या होता है, इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होगा। आज से 10 साल पहले की बात करते हैं तो इकोनॉमिक और GDP जहां पर था उससे कई गुना आगे हम बढ़ चुके हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी तरह दोस्तों मैं बोल रहा हूं, जितना लंबा आप रखोगे तो आपको अच्छा से अच्छा होगा, ठीक है। और एक चीज में आप
यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये बैंक जो है उसका इंटरेस्ट, ठीक है, जो ब्याज आता है, सूद आता है, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट इस कंपनी का कैसा है, ग्रोथ हो रहा है या यहाँ पर भी कमी है इसमें, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग से। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि खरीदने वाले हो, ठीक है, तो अगर आप खरीदने वाले हो कोई भी चीज़ तो उसके बारे में बारीकी से देख लेना जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से दिसंबर 2018 से देख सकते हैं। सबसे पहला वन यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, 1700 के आसपास इसको जो है इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। फिर मार्च में देख लेते हैं कितना मिला था, तो 1790, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, ज़्यादा नहीं, यहाँ 35 है और यहाँ पर 90 है, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा इंक्रीज़ हुआ था, डिक्रीज़ नहीं हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जैन में यहाँ पर कितना हुआ है दोस्तों, 1794 था, लेकिन 1800 इंक्रीज़ हुआ, बिल्कुल इंक्रीज़ हुआ। फिर देख सकते हैं सितंबर में इंक्रीज़ हुआ, बिल्कुल इंक्रीज़ हुआ, सॉरी, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी देख लीजिए अच्छा खासा बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में देख लीजिए दोस्तों क्या, यहाँ पर दिसंबर में जो लास्ट है, तो यहाँ पर दिसंबर में भी देख लीजिए, इसमें भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा, यहाँ 1953 था, यहाँ 1900 कितना है, 67, जो भी है इंक्रीज़ हुआ है। तो देख लीजिए छोटा सा ही बैंक है, 5 रुपया का स्टॉक मिल रहा है, और कितना लगाओगे यार, जब हम 10 रुपये की चाय पीने जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मतलब नशीली पदार्थ भी खरीद लेते हैं, 10 मतलब 50 या 100 रुपये तो गवा देते हैं, तब कोई टेंशन नहीं रहता। 5 रुपये के स्टॉक खरीदने में मैं आपको इतना ज़्यादा आपको जो है डिसीजन लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। बस अगर हम इस बैंक में देखें तो भाई एक ही प्रॉब्लम नज़र आएगी आपको, और दूसरा आपको दूसरा कंडीशन आप ढूंढ भी नहीं पाओगे क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है, इस बैंक में थोड़ी बहुत कर्ज है जो थोड़ा ओवर है, ठीक है। तो वो जैसे ही कम करेगी, क्योंकि कंपनी काम कर रही है, वो भी बैंक है, ठीक है, तो धीरे धीरे काम करेगी, तो अपना जो है जो भी है इसका दोस्तों कर्ज, वो उसको रिड्यूस करेगी। और उसके बाद देखिए ऐसे बैंक ही आप HDFC बैंक को जाके देखिए, आज से 10 साल पहले जाके देख लो दोस्तों, वो भी 10 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, 20 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था। कौन सा बैंक, HDFC जैसे बैंक दोस्तों, HDFC जैसे बैंक, तो वो भी कभी किसी जमाने में 5 या 10 रुपये का हुआ करता था, ठीक है। और ये भी बैंक दोस्तों, तो जब वो HDFC बैंक जब 5 या 10 रुपये के आसपास हुआ करता था, तो वो HDFC नहीं था, वो नॉर्मल बैंक था, आज के डेट में वो रेपुटेटेड बैंक बन चुका है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो गिरावट हो रही है मार्केट में, तो उसका फ़ायदा उठा लो। और दूसरा स्टॉक मैं आपको नॉर्मली बता देना चाहता हूँ, वह है दोस्तों आइडिया, ठीक है। आइडिया एक दोस्तों एक टेलीकॉम सेक्टर का है कंपनी, जिसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये भी आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। कैसे, मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास है कौन, एयरटेल है, जियो है, ठीक है, ये दो टेलीकॉम सेक्टर है, इधर आइडिया है। अब दोस्तों है क्या, अब अगर आइडिया को हटा देते हैं मार्केट से, अगर हम मान लीजिए यहाँ से हटा देते, अब है यही दोनों, तो दोस्तों ये दोनों कर लेंगे मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली का मतलब, अगर ये प्राइस बढ़ाता है, मान लीजिए एयरटेल, ये भाई साहब एयरटेल है, ठीक है, अगर एयरटेल प्राइस बढ़ाता है अपना, एयरटेल अगर 10 बढ़ाता है, तो ये भाई साहब 15 कर लेंगे, ठीक है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं होगी। जब ये 15 कर लेंगे, तो ये 20 कर देंगे, अगर ये 20 कर देंगे, तो 25-50 कर सकते हैं। अब नुकसान किसको होगा, हम जैसे आप जैसे छोटे छोटे निवेशकों को, जो गरीब हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसी यही जो प्राइस वार चल सकता है, ठीक है, ये दोनों में यही प्राइस वार होने के कारण गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, ये आइडिया को नहीं हटाना चाहती है, और ये जो एयरटेल है और ये जो जियो है, ये तीनों को साथ में चलाना चाहती है वो, इसलिए ताकि आने वाले दिनों में कभी पब्लिक को परेशानी ना हो। इसलिए चाहे जो भी हो, हर हाल में हमें आइडिया को सेफ रखना पड़ेगा और सेफ जोन में रखना पड़ेगा। भले ही इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, लेकिन क्या होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो गवर्नमेंट इसके साथ, इसलिए आप आइडिया के शेयर पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। हाँ, इस कंपनी में एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, आइडिया के शेयर में इसके ऊपर कर्ज बहुत है, ठीक है, लेकिन जिस दिन कर्ज हट जाएगा, जिस दिन आपको अच्छा खासा रैली देख सकता है। देखिए अब चाहे आप लोगों में ढूंढो, मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब
नॉलेज की तौर पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, कंपनी भी दो तरह की होती है, ठीक है। दो तरह की मतलब प्राइवेट और पब्लिक नहीं, ठीक है। अब प्राइवेट और पब्लिक अगर हम बोल देंगे लिमिटेड में बोल देंगे कंपनी प्राइवेट और पब्लिक होती है, लेकिन ह्यूमन बींग हम और आप प्राइवेट और पब्लिक नहीं होते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन बींग होते हैं। देखिए दोस्तों, एक इंसान वो होता है जो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ये इंसान आपके साथ फ्रॉड कर सकता है तो हो सकता है कि दोस्तों ये आपके साथ फ्रॉड ना करे, ठीक है। अगर ये गंदा है तो ये गंदा होना जरूरी नहीं है, एक ही, ठीक है। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए ये है DHFL, ठीक है, ये भाई साहब रहे DHFL। अब इसको हम मान लेते हैं, और यस बैंक भी इसी के साथ में, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर ये देख लीजिए, ये है DHFL, ठीक है, और ये है यस बैंक, ठीक है, ये है यस बैंक। अब यहां पर मान लेते हैं भाई साहब किसी और भी बैंक को मान लेते हैं, जहाँ पर मान लेते हैं कि कोई और बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो या कोई भी बड़े बड़े बैंक हो। हाँ, अब मान लेते हैं साउथ इंडिया बैंक हो, ठीक है, साउथ इंडिया बैंक हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, DHFL में फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, आपके पीठ पीछे कोई गलत काम करना, ठीक है, पैसों के लालच में आके। तो ये कंपनी को डूबने से भगवान भी नहीं रोक सकते, भगवान भी नहीं रोक सकते, तो हम तो इंसान हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपनी क्या है दोस्तों, ये गरीबी के मारे हैं, ठीक है। ये हो सकता है, जैसे कि देखिए एक गरीब होते हैं तो वो जो भी होता है छोटे मोटे पैसे रहते हैं, छोटे मोटे सैलरी मिलता है, कमा के खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, जैसे कि राणा कपूर जी ने क्या किया दोस्तों, यस बैंक में उन्होंने क्या किया, फ्रॉड किया। उन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़, हम तो भाई मतलब 50,000 या 10,000 रुपया देखने के लिए तरस जाते हैं, वो 200-500 करोड़ के लिए क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। पैसा है, वो उतना खा नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, फिर भी वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो वो फ्रॉड है ना, उनको कभी सोने नहीं देगा, ठीक है, अंधा बना देता है। उसी तरह देखिए, हम इस कंपनी को क्यों खरीद रहे हैं, इस कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं है। हाँ, हालांकि ये कंपनी गरीबी में जी रही है, लेकिन कोई फ्रॉड नहीं है, इसीलिए आप कंपनी पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक का प्राइस भले ही कम है, लेकिन स्टॉक में ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है जिससे आपको नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और आगे अच्छे से अच्छे स्टॉक आपके लिए लाने का भी मौका मिलता है।